सभी को नमस्कार। इस कोविड सेकेंड वेव में जो प्राइवेट टीचर्स के हालात पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, उनके इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो चुका है, उस एतबार से कि आइडियल मैनेजमेंट जो 2012 से हमारे पास स्कूल में जितने भी लोग टीचर्स काम करे सो है, उन सारे टीचर्स को 2012 टू नाउ कितने भी लोग काम करे सो है, नियर अबाउट 85 मेंबर्स, उन सभी को मैनेजमेंट की तरफ से उन जितना हो सकता है उनको फाइनेंशियल असिस्ट के साथ साथ फूड किट भी दिए जा रहे हैं। इस मौके पर मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मैनेजमेंट का इस बुरे से बुरे वक्त में भी जो टीचर्स के हालात को नज़र रखते हुए उनके टीचर्स के जो हेल्प के लिए उनके बैकबोन होके रुके सो है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस मैनेजमेंट के, जो प्रेसिडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन मिस्टर मुजाहिद पाशा कुरैशी सर को और पूरे मैनेजमेंट को थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस। हाय, मैं रियाज पटेल। अभी जो यहाँ पर देखा गया कि जनाब मुजाहिद पाशा कुरैशी जो कि आइडियल ग्लोबल स्कूल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने जो प्रेजेंट स्टाफ है वो और जो प्रीवियस में जो काम यहाँ पर कर चुके हैं उनके लिए एक बजट कुछ अमाउंट और उसके साथ साथ एक राइस पैकेट भी जो है उन्होंने अपने सभी प्रेजेंट स्टाफ और प्रीवियस स्टाफ को दिया है। बहुत ही अच्छा कदम है, मैं इस पर उनको कॉन्ग्रेचुलेट कहता हूँ। दूसरी चीज़, जैसा कि मालूम है कि प्राइवेट टीचर्स का इशू पिछले साल से ही फर्स्ट लॉकडाउन से उठाया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ खास कदम इसमें नहीं लिया। डेटा जमा करने तक ही गवर्नमेंट का काम रहा है, तो ज़रूरी है कि गवर्नमेंट डेटा जमा करने से आगे का काम करे और कम से कम जो बेसिक सैलरी एक प्राइमरी टीचर की और हाई स्कूल की होती है उसको दे। फर्स्ट फिफ्थ स्टैंडर्ड के जो टीचर हैं वो पिछले एक डेढ़ साल से काम पर नहीं है, जबकि सिक्स से ऊपर वाले जो टीचर्स हैं उन्होंने सिर्फ 4 महीने वर्क किया, फिर वापस सेकेंड लॉकडाउन हुआ है। तो गवर्नमेंट इस पर जल्दी कुछ काम करे, एक अच्छा बजट लाए। अब काबिले मुबारकबाद है मुजाहिद पाशा कुरैशी साहब, किसी तरह दूसरे जो भी मैनेजमेंट इतनी कैपेसिटी है उनके पास कि वो अपने टीचर की मदद कर सकते हैं, तो एक छोटा से छोटा ही क्यों ना बजट हो, इससे अपने टीचर्स की मदद करें। थैंक यू।